लोकतंत्र में विरोध जताने के अलग अलग तरीके हमने देखे हैं, लेकिन जो तरीका संसद में विरोध के लिए टीडीपी सांसद शिव प्रसाद अपनाते हैं वह एकदम अनोखा है। पूरे बजट सत्र के दौरान टीडीपी सांसद शिव प्रसाद अलग अलग वेशभूषा में संसद आते रहे हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिलवाने के मुद्दे पर वे रोज नए नए पात्रों का रूप धारण कर संसद पहुंचते रहे हैं। सोमवार को शिव प्रसाद महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने परशुराम के वेश में नजर आए। इससे पहले शिव प्रसाद कभी नारद मुनि, कभी बांसुरी वाले कृष्ण, कभी वेंकटेश्वर देवता, कभी राजा हरिश्चंद, कभी स्कूली छात्र, कभी महिला तो कभी पुजारी के वेश में नजर आ चुके हैं। आपको बता दें कि शिव प्रसाद तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके हैं। 2005 में इन्हें एक्टिंग के लिए आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नंदी अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन अब आंध्र प्रदेश के लिए चित्तूर सीट से वे दो बार लोकसभा में चुनकर पहुंचे हैं। केंद्र सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताने का यह तरीका सांसद शिव प्रसाद के लक्ष्य को कितना पूरा कर पाएगा यह तो पता नहीं, लेकिन उनका यह तरीका मीडिया का ध्यान खींचने में जरूर कामयाब रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।